हेलो 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 एवरीवन उम्मीद करता हूं कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त है मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन सो गाइस आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे बहुत सारी बातें आप लोगों ने लिखी है और लेट मी टेल यू वन थिंग एग्जैक्टली सेम एग्जैक्टली सेम क्वेरीज हर बार आती है दि इज नॉट द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम वी गेट द सेम क्वेरीजाइज ये सेशन बहुत ध्यान से सुनना बहुत सारी बातें आप नोट कर सकते हैं खुद से इंटरक्ट कर सकते हैं uh, हमारा एक स्टूडेंट है अर्नव ही इज विथ अस ही जस्ट केम फ्रॉम मुंबई टू पुणे इज ईयर टू मीट ऑल ऑफ अस तो मैं अर्नब से भी तुम लोगों को मिलाऊंगा उसके एक्सपीरियंस आई रिमेंबर ऐसा ही एक सेशन हुआ था जहां पे अर्नब भी था और यही सारे डिस्कशन हुए थे यही सारी बातें हुई थी और उसकी जर्नी भी कैसी थी एंड हाउ ही वेंट थ्रू द जर्नी एंड हाउ ही अपियर फॉर द पेपर बहुत रोज उसने दिए तो उसके बाद भी हम लोग बात करें एम ऑडिबल प्लीज मी नो गाइज बताओ फटाफट एम ऑडिबल Of course, yes, 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 so many. Sir. Okay, okay, great, 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 great. Someone said, Am I audible or not? Okay, fantastic. Okay, so you want, uh, okay, just a minute. Hello, 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 hello. Okay. Okay, just a minute. So people want me to increase the volume. ओके okay, गाइस uh, uh, जो ऑडियो वॉल्यूम्स है हमारे ये वॉल्यूम इतने ही रहेंगे तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मे बी इंक्रीज वॉल्यूम एट यूर एंड ओके अगर मैं वो ऑडियो सेटिंग्स करने के लिए जाऊंगा तो फिर हमको सेशन थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट ओके सो गाइस फर्स्ट थिंग नाउ सी इंटर वो पहली एग्जाम है जहां पे एवरीथिंग इज गेटिंग चैलेंज आज तक जब टेंग्जाम की एग्जाम थी की exam थी, की 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 एग्जाम 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 थी 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 तो जो जान दो फाउंडेशन हमारे पास में बहुत सारा टाइम था हमारे पास में रिसोर्सेज बहुत सारे थे बहुत सारा टाइम था फाउंडेशन का फिफ्टी परसेंट कोर्स तो इलेवन ट से आया था आपका करेक्ट फिफ्टी परसेंट कोर्स वहां से आया था बहुत सारा समय आप लोगों के पास में था कोर्स बहुत छोटा सा था और अभी तक की आपको ऐसी आदत रहती थी लेट मी टेल यू अभी तक आपको ऐसी आदत रहती थी मेरा रोज के रोज पढ़ मेरा रोज के रोज पढ़ के हो जा रहा है मेरी मल्टीपल रिविजन हो जा रही है मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ रहा है ये सिचुएशन मेरा पूरा कोर्स कंट्रोल में है मैंने पूरा पेपर दे दिया अच्छे से अभी तक के हमको ये आदत थी अभी तक की ये आदत थी कि यार आई एम गोइंग वेरी कंफर्टेबल मैं बहुत कंफर्टेबल चल रहा हूं सीए इंटर वो पहली बार है जहां पे आपको स्ट्रेस आएगा एंड यू विल बी चैलेंज नाउ लिसन टू मी केयरफुली लिसन टू मी प्लीज एक्सेप्ट दैट। सबसे पहले दिमाग में क्लियर करो इट इज एब्सोल्युटली फाइन सब कुछ ठीक चल रहा है इट इज एब्सोल्युटली फाइन जब कुछ चीजें छूट जाती है एब्सोल्युटली फाइन रोज के रोज घर जाके पूरा रिवीजन ए टू जेड हम नहीं कर पाते हैं इट इज एप्सोल्यूटली फाइन जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको पूरा रिविजन नहीं कर पा रहे It is absolutely fine. हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर आ रहा है इट इज एप्सोल्यूटली फाइन मैं सबका सोल्यूशन देने वाला हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ो मत बहुत अच्छा परफॉर्म मत करो बट आई एम सेटिकल प्लीज बी प्रैक्टिकल गाइड बहुत जरूरी है अननेसेसरीली खुद का मॉरल मत तोड़ो अननेसेसरली खुद का कॉन्फिडेंस मत तोड़ो अननेसेली तुम्हारा जो इतना हार्डवर्क है तुमने इतनी मेहनत की है उसको डी वैल्यू मत करो उसको अंडरमाइन मत करो उसको कुछ भी नहीं है ऐसा मत करो गाइज प्लीज रिस्पेक्ट इट तुम जो इतनी मेहनत कर रहे हो बी प्राउड ऑफ यूर सेल्फ ओके द फर्स्ट मैसेज इज वेरी सिंपल एंड क्लियर यू कैन राइट इट डाउन इट इज एप्सोल्यूटली फाइन इफ थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एट इंटर एंड फाइनल लेवल

लेकिन जब आपके पास में टेन थाउजेंड है और सामने वाले के पास में फिफ्टी थाउजेंड है और वहां पे जाके आप वॉर करते हो यू नीड ब्रेवरी देयर यू नीड टू बी ब्रेव टू फाइट सच वॉर्स एंड टू विन सच वॉर्स इंटर और फाइनल ये वॉर है जब आपको ब्रेव रहना पड़ेगा यू नीड टू बी ब्रेव ऑन योअर पार्ट सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग इट इज फाइन देखिए मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों ने मुझे बताए हैं ठीक है वॉट प्रॉब्लम्स गाइज जो भी मैसेज में आप लोगों को देता जाओ जो भी मैसेज में आप लोगों को देता जाओ आप उसको नोट करते जाइए स्क्रिबल करते जाइए प्लीज कीप स्क्रिबलिंग स्क्रिबल करते जाइए मैंने इसको बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया है so many students they said this thing sir time management time management time management nahi ho raha hai so many student time management then laziness din bhar pade rehte hai laziness hai lectures हमारे lectures बराबर नहीं हो रहे पढ़ाई बराबर नहीं हो रहे जितना हम करना चाहते हैं जितना हम करना चाहते हैं उतना नहीं हो पा रहा है ठीक है इज अ very common thing वेरी कॉमन थिंग प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत लोगों ने ये भी बोला प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक है सेल्फ डाउट बहुत सारा प्रेशर है एंड ठीक है इससे और एक बात समझो गी. इतने सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं इससे क्या समझ में आता है इतने सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं कि हमको इतने सारे प्रॉब्लम्स है ओके वी आर इन द सेम बोट आप अकेले नहीं हो लुक एट द अदर साइड यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु इज फेसिंग दिस हीट

यू आर नॉट सपोज टू बी इन गिल्ट अगर आप गिल्ट में रहोगे तो अच्छा परफॉर्म कैसे करोगे तोड़फोड़ कैसे करोगे अपना बेस्ट कैसे दोगे डोंट बी इन गिल्ड मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके अंदर से मैं गिल्ट को मिटा सकू, बाहर कर सकू ठीक है एंड डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो हर बैच में ऐसा होता है और हर बैच में बच्चे बहुत अच्छा करके निकलते हैं ठीक है नॉट एबल टू रिवाइज लो कॉन्फिडेंस नॉट एबल टू रिवाइज इतने सारे लोग ग्रुप टू क्लासेस कैसे करेंगे रोड मैप क्या है लो प्रोडक्टिविटी बैकलॉग बैकलॉग इज अ वेरी बिग इश्यू स्लीपली स्लीपी एंड टायर्ड लो एनर्जी रेगुलर कॉलेज कैसे मैनेज करेंगे एंड सोन ओके गाइस पहले मैं आप लोगों को रोड मैप बताता हूं अगर मैं आपको रोड मैप बताऊंगा ना तो आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को ये रियलाइजेशन होगा आपको ये पता चलेगा कि आपके सामने एक रास्ता कैसे है एक बार हमको दिखने लग जाए अगर हमको एक रोड मैप दिखने लग जाए ना वी काम डाउन हम काम डाउन करते हैं हमको समझ में आता है कि यार मेरे पास में इतना इतना टाइम ऐसे ऐसे रहने वाला है आई डोंट नीड टू वरी जो अभी मेरे पास में टाइम है मुझे उसको अच्छे से यूज करना चाहिए आई हैव टू यूज दट प्रॉपरली सो लेट मी शो यू द रोड मैप ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रोड मैप रोड मैप इज वेरीबर तक थर्टियत ऑफ नवंबर तक आप जितना जैसे कंप्लीट कर सकते हो बस कुछ ही दिनों में आने वाला है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है हो सकता है कुछ लोग वीडियो देख रहे हो बाद में कोई बात कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जितना हो सकता है जैसे हो सकता है थर्टियत नवंबर तक आप आपके कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए जितना भी आप कर सकते हो ठंडा दिमाग रखकर गिल्ड से बाहर आकर और फ्यूचर की चिंता को छोड़कर इस पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या कर सकते हैं इस एक घंटे में हम क्या कर सकते हैं बस उस पर ध्यान देना है अभी तक के मेरा बस यही ऑब्जेक्टिव है गेट आउट ऑफ द गिल्ड डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर तुमने कोई गुना नहीं किया है इस एक घंटे में तुम क्या कर सकते हो बस इस पे ध्यान देना चाहिए मैंने आपको पहले ही बताया था बेस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स बेस्ट ऑफ द टेनिस प्लेयर राफेल नडाल बोलता है नडाल की बुक के अंदर लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैंने पिछला पॉइंट जीता कि नहीं जीता क्या मैं अपने बॉडी की पूरी एनर्जी पूरा फोकस नेक्स्ट बॉल पे दाल पा रहा क्या? माई सक्सेस मैंने पिछला पॉइंट लिया अगर मैं ज्यादा खुश हो गया और मेरा कंसंट्रेशन कम हो गया आई एम गोइंग टू लूज अगर मैं गिल्ट में रहा पहले के गिल्ट में रहा आई एम गोइंग टू लूज What मैटर्स इज आपके पास में जो टाइम है उसको कैसे यूज कर सकते हो लेट मी टेल द ट्रूथ ऑफ द लाइफ आपके हाथ में बस इतना ही है कि आप आपके टाइम को कैसे यूज कर सकते हो दैट्स इट हाउ स्मार्ट यू कैन बी इन यूजिंग यूर टाइम नथिंग एल्स तो पहले का और आए का सब छोड़ दो थर्टीएथ नवंबर तक आप जितना कंप्लीट कर सकते हो उतना आप कंप्लीट करिए फिर इसके बाद में आप डिटेल्ड एक बैकलॉग बनाइए कि आपका कितना बैकलॉग है कितना बैकलॉग है उसका आप लिस्ट बनाइए कि भाई मेरा अकाउंट्स में कितना बैकलॉग है कॉस्टिंग में कितना है ठीक है टैक्स में में कित, डीटी कितना है लॉ में कितना है में कितना है कितना बैकलॉग उसकी लिस्ट बना लीजिए फिर अभी मैं आपको बोध ग्रुप के हिसाब से प्लान बना रहा हूं उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है मैं आपके साथ में और डिस्कस भी करूंगा और अगर बोध ग्रुप में हम लोग अगर प्लानिंग कर सकते तो डेफिनेटली एक ग्रुप की प्लानिंग तो बड़े आसानी से कर सकते ना करेक्ट तो आपको एक नई एनर्जी के साथ में एक नए एनर्जी के साथ में एक नए जोश के साथ में आपको फर्स्ट डिसंबर से क्लासेस को शुरू करना है इट विल बी ऑल टुगेदर अ फ्रेश एनर्जी और यहाँ पे आपको बहुत सारे चेंजेस लाना है एक पुरानी कहावत है इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग यू हैव ने पूरा करेंगे कौन करेगा पूरा इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग यू हैव नवर अचीव यू विल है अगर आप कुछ ऐसा अचीव करना है ठीक है जो आपने पहले कभी अचीव नहीं किया यू हैव टू डू समथिंग जो आपने पहले कभी नहीं किया मैं सभी फेस टू फेस ऑनलाइन वाले रिकॉर्डेड वाले सबको बोल रहा हूं अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी एनर्जी लेवल आपका फोकस आपका कॉन्सेंट्रेशन उस तरीके का नहीं है यू विल हैव टू मेक चेंजेस क्या चेंज में आपको ठीक है सबसे बड़ा चेंज है एटमोस्फियर फेस टू फेस में बच्चों को बोलना चाहूंगा अगर आपका जो ग्रुप है बहुत पढ़ाई वाला नहीं है प्लीज गेट विद द स्टूडेंट जो बहुत पढ़ाई वाले हैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर आपके रूम में पढ़ाई वाले लोग नहीं है प्लीज चेंज द रूम मैं जानता हूं इट कैन बी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे प्लस डू दैट दैट गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज द एटमोस्फियर जितने लोग लाइव ऑनलाइन देख रहे हैं जितने लोग लाइव ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने रिकॉर्डेड देख रहे हैं प्लीज गेट इन टू द लाइब्रेरी प्लीज गेट इन टू द लाइब्रेरी फेस टू फेस वालों को भी मैं बोलूंगा सबको मैं बोलूंगा फेस टू फेस वाले लाइव ऑनलाइन वाले आपके पास में जितना भी पढ़ने का समय है प्लीज 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 गेट इन टू द लाइब्रेरी मैं आपको बताता हूं एक बच्चे से अभी मिला मैं मैं अभी आगे तीन चार पांच दिन मैं प्रेस्टिज पॉइंट पर रहूंगा आप मुझसे फेस टू फेस मिल सकते हैं आपके प्रॉब्लम बता सकते हैं अभी एक बच्चा आया सिर्फ उसने ग्रुप वन की क्लास की ग्रुप वन की क्लास की और बोले पेपर कैसे गए फिफ्टी सिक्सटी मार्क्स का सब सॉल्व किया मैं तो ग्रुप वन तो क्लियर ही नहीं हो रहा है बोले सर मेरे को भी समझ में नहीं आया क्या हुआ मैं घर चला गया फिर मैं बहुत आराम आराम से पढ़ना मैंने शुरू किया ठीक है बहुत आराम आराम से पढ़ना मैंने शुरू किया मतलब कितने बजे पढ़ने बैठता था बोले सर सुबह दस बजे पढ़ना शुरू करता था मैं रात को दस बजे तक पढ़ता था इतने इतने ब्रेक थे मतलब वॉट तेरा तो सिर्फ तेरा तो स्टडी टाइम ही सिर्फ आठ घंटे निकल रहा है सर वो भी बड़ी मुश्किल से होता था मैं बोला अगर तू लाइब्रेरी में आके बैठता ना तो तू पहले दिन से माहौल में आता लाइब्रेरी में अगर तू आकर बैठता यहाँ पे बच्चे सुबह साढ़े छह से बैठ रहे तेरे को शर्म आती कि भाई मैं साढ़े छह बजे नहीं आ सकता कभी कभी तो सात बजे तो आ जाऊ आठ बजे तो आ जाऊ वो एटमोस्फियर प्लीज चेंज द एटमोस्फियर आपके आजू बाजू एक बहुत पॉजिटिव स्टडी ओरिएंटेड एटमोसफियर होना चाहिए और आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आपने लाइब्रेरी में स्पेंड करना चाहिए हम 24 लाइव लाइब्रेरी भी चलाते हैं, जहां पे आप कैमरा ऑन करके खुद को रख सकते हैं जूम मीटिंग के ऊपर ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सो दैट यू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी मैं वो भी बताऊंगा फ्रेश स्टार्ट करिए आप फेस टू फेस लाइव ऑनलाइन प्रेफर प्रेफर करिए बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होता है अगर आप फेस टू फेस लाइव ऑनलाइन में जाते हैं अभी मैं अर्नम से बात करवाऊंगा ठीक है उसने भी पूरा लाइव ऑनलाइन किया ही डिड कंप्लीट लाइव ऑनलाइन उसने किया था उसके भी चैलेंजेस में आपको बताऊंगा मैं ये बोलूंगा फेस टू फेस क्योंकि फेस टू फेस में एक बार क्लास में पहुंचा जा पहुंचा देना पड़ता है लाइव ऑनलाइन में क्या है मुझे सर के साथ चलना है इतना अगर तुम कर लो तो आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होता है अगर आप चाहते हो कि आप बैकलॉग नहीं क्रिएट करना चाहते तो आपको ये दो मोड पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए रिकॉर्डेड मोड भी आप बिल्कुल देख सकते हो लेकिन फिर लाइब्रेरी में बैठ कर देखो और अगर आपके दो तीन फ्रेंड्स मिल सके जो एक अच्छा माहौल एक पॉजिटिव माहौल बना सके तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा एंड यू हैव टू बी स्मार्ट इन एवरी यू डू देर शुड बी फुल ऑफ स्मार्टनेस इसी से आपकी प्रोडक्टिविटी और बेहतर होगी आई विल टेल अब सुन लीजिए जिन लोगों का बैकलॉग है बैकलॉग की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं अभी रोड मैप के ऊपर रोड मैप के ऊपर आपको फ्रेश से शुरू करना, करना, करना है अगर आप कॉम्पिटेटिव एटमोसफेयर में नहीं रहोगे तो रहो पढ़ाई वाले एटमोसफियर में नहीं रहोगे तो टाइम बह जाएगा और ऐसा बहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा इसलिए कॉम्पिटेटिव एटमोस्फियर में रहिए अपने दोस्तों के साथ में सुबह दोपहर शाम दस दस मिनट बात करिए किसी से बात करना पड़ेगा आपको ठीक है एकांत में अपने रूम के अंदर बैठे पता ही नहीं चल रहा दिन कब हो रहा रात को हो रही अलग ही दुनिया में चल रहे प्लीज गेट आउट ऑफ दैट दैट इज नॉट एडवाइजेबल अब ठीक है नाउ आपके क्वेश्चन से देखूंगा एक बार मैं मेरा पूरा फ्लो कर लू ठीक है एक घंटे का नाउ लिसन एक घंटे का बैक अगर किसी का बैकलॉग है कोशिश करिए एक घंटे का बैकलॉग आप फोर्टी फाइव मिनट्स नाउ कीप दिस इन माइंड फोर्टी फाइव मिनट आपने देना चाहिए एक घंटे का बैकलॉग आपने कवर करना चाहिए और संडे को तीन घंटे का बैकलॉग स्पीड आप बढ़ाओगे ठीक है स्पीड आप बढ़ाओगे मैं इसमें आपने कोशिश करनी चाहिए दो घंटा पंद्रह मिनट टू आर फिफ्टीन मिनट्स में जिनका बैकलॉग नहीं है चिंता ना करें। आपके लिए मैं रिवीजन स्ट्रेटजी बता रहा हूं दो घंटा पंद्रह मिनट और इस तरीके से पढ़ो कि आपका ग्रुप वन की भी तैयारी चल रही है मतलब ग्रुप वन इसका आपका बहुत अच्छे से कवर कर रहे है अगर आप ऐसा करोगे तो आप थर्टी फर्स्ट जैन तक सेवेंटी सिक्स आवर्स का बैकलॉग क्लियर कर लोगे अगर आप ऐसा चलोगे अगर आप डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे फोर्टी फाइव मिनट देकर एक घंटे का बैकलॉग अगर आप क्लियर करते हो संडेस को तीन घंटे का अगर आप क्लियर करते हो दो सवा दो घंटे देकर 76 आर्स का बैकलॉग यस गाइस अबाउट 75 फाइव आर्स का बैकलॉग आप 31 जन तक खत्म कर दोगे इससे ज्यादा करोगे क्योंकि जीएसटी जल्दी खत्म होगा क्योंकि ऑडिट जल्दी खत्म होगा जीएसटी जल्दी खत्म होगा ऑडिट जल्दी खत्म होगा तो आपके पास बैकलॉग कवर करने के लिए और टाइम मिलेगा नाउ लिसन इसके बाद अगर आप 12 घंटे 12 घंटे क्लास करते हो स्पीड बढ़ाकर देखते हो न एटी आवर्स लेकिन ये ठीक है बैकलॉग के लिए बोल रहा हूँ मैं रेगुलर क्लास के लिए बोल रहा हूँ बैकलॉग के लिए बोल रहा हूँ वन एटी आवर्स गाइज एक सौ अस्सी घंटे आप पंद्रह दिन में कवर कर सकते हो फिफ्टी एक सौ अस्सी प्लस पचहत्तर टू ट्वेंटी फाइव आर्स का बैकलॉग आप कवर कर सकते हो मुझे नहीं लगता किसी का दो सौ पच्चीस घंटे के ऊपर का बैकलॉग होगा बैकलॉग का मैं आपको बहुत ही प्यारा फुल प्रूफ प्लान दे रहा हूँ फुल प्रूफ प्लान दे रहा हूँ डेली फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव देते जाओ डेली फोर्टी फाइव मिनट अगर आप देते जाओगे एक एक घंटा कवर होगा संडे को सवा दो घंटे दोगे आपका तीन घंटा कवर हो जाएगा और आपका थर्टी फर्स्ट कवर हो जाएगा उसके बाद पंद्रह फेफ के है उसमें आपका उसमें आपका एक सौ अस्सी घंटा कवर हो जाएगा ठीक है और सॉरी टू ट्वेंटी फाइव भी नहीं भाई आप टू ट्वेंटी फाइव भी नहीं ठीक है टू फिफ्टी आवर्स बोल रहा हूं मैं ठीक है 250 hours, 250 hours का आप cover कर सकते हो नाउ अब मैं रिविजन की बात कर रहा दे हूं बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला सर ठीक है ग्रुप वन की रिविजन हम लोग साथ में कैसे करें लिसन गाइज सुनो इट इज एप्सोल्यूटली फाइन टू फर्गेट थिंग्स विच वी आर टॉट एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास एप्सोल्यूटली फाइन ये कहीं पर भी नहीं गए वो अंडरस्टैंडिंग आपके साथ है वो लॉजिक आपके साथ है वो सब कुछ आपके साथ है सभी प्रोफेसर सभी प्रोफेसर ने अपने video revision lectures, audio revision या दिए हुए हैं ये टाइम है वो रिविजन लेक्चर्स को सुनने का ये टाइम है वो लेक्चर्स को लेक्चर्स सुनो लेकिन किताबें सामने रखो किताबों के ऊपर आपको कमांड आना चाहिए ठीक है किताब जो क्लास से आपने पढ़ा जो क्लास से आपने पढ़ा जैसे आपने पढ़ा प्लीज उसको चेंज मत करो लास्ट मोमेंट पे अभी यहां पे चेंज मत करो शो फुल फेथ और उनके जो हाँ भाई ऐसे क्लास से पढ़ा कुछ हवा ही नहीं लग रही ऐसा कुछ हो गया आपके साथ में और आपको कोई उनके रिविजन लेक्चर नहीं मिल रहे तो शायद थोड़ा चेंज करना पड़े बट देन जैसे वी स्मार्ट में सबके रिविजन लेक्चर्स है नाउ नाउ लिसन टू द प्लान लिसन टू द प्लान ठीक है जो लोग बैकलॉग कर रहे हो तो बैकलॉग कवर करो अरे बैकलॉग भी तो यार ग्रुप वन की पढ़ाई है ना मैं एक एटीट्यूड चाहता हूं मैं आप छोड़ दे एक एटीट्यूड वो एलेवन ट्वेल्थ का एटीट्यूड था फाउंडेशन का एटीट्यूड था कि घर जाके उतना का उतना वैसा का वैसा, का वैसा कवर होना चाहिए ये एटीट्यूड से बाहर आई है पढ़ाई पढ़ाई होती है क्लास में भी आप बैठे हो तो पढ़ाई है बैकलॉग भी आप देख रहे हो तो पढ़ाई है ठीक है लाइब्रेरी में आप बैठे हो पढ़ाई है आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई को पढ़ाई जैसे लीजिए क्लास में टाइम पास करना क्लास में ध्यान नहीं देना क्लास में मार्किंग नहीं करना और फिर रोना कि मेरे को घर जाकर और पढ़ना है प्लीज ग्रो अप पढ़ाई पढ़ाई होती है क्लास में भी पढ़ाई चल रही है बैकलॉग में भी पढ़ाई चल रही है प्लीज इसको एक्सेप्ट करो कि भाई मैं जो भी करूंगा बहुत अच्छे से करूंगा अब सुनो ठीक है बैकलॉग वाले तो बैकलॉग के साथ पढ़ रहे हैं एक घंटा ध्यान सुनो एक घंटा एक घंटा वन आर वन आर आप एक घंटा ग्रुप वन के पेपर रिवाइज करने के लिए दोगे और तीन घंटा तीन घंटा घंटा तीन आप दोगे थ्री आवर्स प्लीज नोट इट केयरफुली प्लीज नोट इट केयरफुली आपको लगभग हंड्रेड आर्स ये दो महीने में दे दो महीने में आपको हंड्रेड आवर्स रिविजन के मिलेंगे एक घंटा सिर्फ देखकर बच्चे क्या होता है मैं बताता हूं सिर्फ हाई तोहबा मचाते सिर्फ हाई तोहबा मेरी पढ़ाई नहीं हो रही मेरी पढ़ाई नहीं हो रही मेरी पढ़ाई नहीं हो रही मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं सिर्फ है तो मचा रहे पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे बस पास्ट को लेकर रोते रहो फ्यूचर की चिंता करते रहो और प्रेजेंट को चूल्हे में डालते रहो डाला चूल्हे में स्वाहा डाला चूल्हे में स्वाहा सर एक हफ्ते से पढ़ाई नहीं हो रही क्यों सर टेंशन आ रहा है भाई तू ऐसा करेगा ना तो तू रहन दे धोनी बोलते तू ऐसा कर तो फिर रहन दे फिर तेरा ना एक महीना दो महीना तीन महीना ऐसे ही निकल जाएगा इट विल बी कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम प्लीज डोंट वरी अबाउट द पास डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर प्रेजेंट को ठीक करने पे ध्यान दो हंड्रेड आवर्स अब ध्यान से सुनो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड आर्स भी ठीक है मेरे कैलकुलेशन कहीं कहीं पे मेरे कैलकुलेशन कहीं कहीं पे हो जाते ठीक है चार सब्जेक्ट मेरे दिमाग में बैठे हैं ओल्ड कोर्स का आपके पास में ठीक है आपके पास अराउंड थर्टी थ्री आवर्स रहेंगे नहीं आपका कॉस्टिंग भी है बराबर है ठीक है आपका कॉस्टिंग भी है जिन लोगों का कॉस्टिंग नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं वो भी मैं बताऊंगा ट्वेंटी आपको मैं बता जानता हूं एक एक घंटा ही मिल रहा है और आपको संडे को तीन घंटे मिल रहे ठीक है संडे को लेकर बैठो अकाउंट्स और कॉस्टिंग दोनों को ऐसा अगर आप करोगे गाइस ट्वेंटी फाइव आवर्स आपको मिलेंगे

सर ने ऐसा ऐसा बोला था ये ये लॉजिक था ये, ये लॉजिक था ये प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम करके देखता हूँ एक प्रॉब्लम में ठीक है देखूंगा कि नया एडजस्टमेंट क्या है स्मार्ट बनना पड़ेगा यार प्लीज गधे ऐसे काम नहीं करना है स्मार्ट बनना पड़ेगा सर मैं तो एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखूंगा छोटा सा भी एडजस्टमेंट है तो मैं स्केल लेकर बैठूंगा स्केल से सब ड्रॉ करूंगा फिर तो गया बेटा तू बारह के भाव में गया मैं बताता हूँ बहुत सी बार बच्चे जो एक ग्रुप करते हैं ना बहुत ही गंदा एटीट्यूड कर लेते हैं सर मैं एज इट इज क्वेश्चन दिख के लिखूंगा पागल हो गया है क्या एज इट इज क्वेश्चन देख के लिखेगा ये क्या कर रहा है तू सर टाइम है ना मेरे पास तो नहीं करेगा यू हैव टू बी स्मार्ट आपने मेथड समझा कॉन्सेप्ट समझा एक एक top, एक प्रॉब्लम अच्छे से किया आपको अगला अगला प्रॉब्लम एक छोटा सा एडजस्टमेंट ज्यादा है आपको वो एडजस्टमेंट खुद होकर सोचना और करके देखना है पूरा प्रॉब्लम आपको करने की जरूरत नहीं है ट्वेंटी फाइव आवर्स आपके पास में रहेंगे आप थर्टी परसेंट थर्टी टू फोर्टी परसेंट रिव्यू कर सकते हैं और वो रिव्यू ही करना है आपको हिसाब बताया किसी को हिसाब नहीं समझाऊंगा हिसाब बताया मैंने आपको ढाई घंटे का बैकलॉग कैसे कवर करना ढाई सौ घंटे का बैकलॉग कैसे कवर करना वो भी मैंने आपको बताया थर्टी टू फिफ्टी परसेंट रिविजन अभी किसी को टेंशन नहीं देना चाहता लेकिन वो मेरे को बोला कि सर मैंने दिवाली में डीटी पूरा कर लिया बट देन फाइन ठीक है सब सबका ये लेवल चल रहा है ऐसा जरूरी नहीं है सबका ऐसा लेवल चल रहा हो बिल्कुल जरूरी नहीं है इट्स एब्सोल्युटली फाइन मेरा जब रैंक आया था तो मेरा एक ही बार रिवीजन होके गया था और अपन एक ही रिविजन में अपना रैंक लग गया था भाई सबको जैसे मल्टीपल रिविजन करने पड़ेंगे ऐसा नहीं सबका क्वालिटी ऑफ स्टडीज भी अलग अलग रहता है लिसन नौ लिशन अगर आप कवर करते हो कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा थर्टी फर्स्ट जैन तक हो रहा है तो बहुत बढ़िया ना बेटा तू का चिंता कर रहा है तू बस आएगा प्लान देख ले तेरे पास पफर दिन है पंद्रह दिन के तू क्यों लोड ले रहा है नाउ प्रिप्रेटरी लीव मैं मान के चल रहा हूँ फिफ्टी ऑफ मे तक रहेगी कि मैं इलेक्शन के वजह से पेपर डीले होंगे मैं मान के चल रहा हूँ नहीं भी डिले होंगे नहीं भी होंगे इतने डिले तो उसके मेरे पास बैकअप प्लान है ठीक है मार्च अप्रैल में तीन महीने आपको 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 मिलेंगे तीन आपको मिलेंगे महीने दिन मैंने वहां पे लिए डेज देखो रोड रोड मैप मैप में आपको बता रहा हूं इज ठीक है पहला आपका माइल था था नवंबर तक जितना होता है कर लो चिंता मत करो एक दिसंबर से आपको रेगुलर क्लास शुरू करनी है और उसके बाद में उसके साथ में एक एक घंटे का बैकलॉग क्लियर करना है और जिनका बैकलॉग नहीं है उन्होंने एक एक घंटे की रिवीजन करने का ठीक है अब आपकी सभी क्लासेस खत्म हो जाएगी फिफ्टींथ तक नाइनटी डेज नाउ लिसन अब आपके ही सब्जेक्ट है अभी अर्नव से मिलाऊंगा लुक एट द पेन पिछले बैच में आठ सब्जेक्ट थे पिछले बैच में आठ सब्जेक्ट थे अभी तुम्हारे छह सब्जेक्ट है तुमको पता नहीं है तुम कितने लकी हो ठीक है तुमको पता नहीं है तुम कितने लकी हो भाई तुमको सिर्फ छे ही सब्जेक्ट देने हैं छह सब्जेक्ट देने और हर सब्जेक्ट में तुमको थर्टी मार्क्स का एमसीक्यू मिलने वाला है टाइम तुम बड़े सब्जेक्ट को, सब्जेक सब्जेक को शिफ्ट कर सकते हो और सबके अलग अलग हो सकते हो सकता है किसी का लॉस सुपर स्ट्रोंग हो शुभम सर ने एकदम भरा है बोले हमारे खून खून में रघु में भर दिया है ठीक है अब ऐसा निकल के आएगा बोले मैं तो सर सात दिन में खत्म कर देगा ठीक है सात दिन में खत्म कर देगा लॉ को हो सकता है यार कोई ऐसा बोल दे उसके तीन दिन बच जाएंगे तो वो किसी और चीज को दे सकता है हर सब्जेक्ट के तुम्हारे पास में दस दिन है यू हैव टेन डेज करेक्ट और मुझे ऐसा लगता है कि ये दस दिन में आप जेन्युअनली अगर आपने पहले थर्टी परसेंट भी रिव्यू किया है आपका रिवीजन टेक्निक सही होना चाहिए अगर आप बोलोगे कि मैं मैं जिस जब रिवीजन की बारी आएगी ना आई प्रोमिस यू आई विल बी यू विंटिन्यूसली अपन चलते रहेंगे भाई एग्जाम एग्जाम तक एक्षाम तक अपन चलते रहेंगे हर बैच में मैं जो एफर्ट्स रहते हैं बच्चों से कनेक्ट करके उनको साथ में लेकर चलने का थोड़ा और बढ़ाता रहता हूं तुम्हारे क्लास में और बढ़ाऊंगा उसको अगर तुमने ये कवर भी कर दिया पहली रिवीजन हो सकती है छह सब्जेक्ट दो दो दिन की बारह दिन लगेंगे बारह दिन लगेंगे फिर आपके छह सब्जेक्ट दो दिन के रिवीजन बारह दिन लगेंगे आपकी पहली रीड भी हो जाती रूप की पहली रीड भी हो जाती है ठीक है आप इसको एक एक दिन जो आपने थोड़ा सा छोड़ दिया था थोड़ा सा वीक था वो भी कर सकते हो मतलब फिफ्टीन फेब से आपके पास फिफ्टीन फेब से आपके पास में दस दिन है एक सब्जेक्ट खत्म करने को उसके बाद फर्स्ट रिवीजन का टाइम है उसके बाद सेकंड रिवीजन का टाइम है उसके बाद में बफर दिन भी है अब मैं आपको बताता हूँ कितना भी मैं बच्चों को समझा दू कि बच्चा रिविजन कैसे करना है तू समझ ले गलत तरीका मत अपना थोड़ा स्मार्ट बन ठीक है फिर भी बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं कोई बात नहीं क्या होगा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा टाइम लगा देगा तो बफर डेज नहीं मिलेंगे ना बफर डेज नहीं मिलेंगे उसको कट कर देंगे ठीक है मेरे पास बफर डेज नहीं है और फिर लेट हो गया तो क्या हो गया सेकंड रिवीजन नहीं होगी ना दैट्स इट ठीक है इतना ही होगा ना भाई अगर इतना कर लिया तूने तो तूने क्लास के साथ में पढ़ा सब कुछ तेरा फर्स्ट रीड हुआ फिर एक रिवीजन फिर सेकंड रिवीजन फिर तू एग्जाम के पहले भी तू एक बार पढ़ेगा तू चार पांच बार रिवाइज करके जा रहा यार अब तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए चार पांच बार रिवाइज करके जा रहा और मैंने बताया सीए के एग्जाम्स में डर हमेशा रहेगा इसी को ब्रेवरी बोलते हैं जब डर है ना डर का सामने मुकाबले करने का और वहाँ पे जाके, ठीक है जय माता दी बोल के फोड़ देंगे वो से जाने का, you, अभी क्रिकेट का एग्जाम्पल मैं देना नहीं चाहता यार दिल दुखेगा अभी यहाँ पे नाउ आई एम गिविंग यूर डेली टाइम टेबल ऑल्सो वट आई वॉन्ट टू से टाइम बहुत पिछले बार भी मैंने बहुत सारी बातें बताई थी आप सुनते बहुत हो यार, करते कितने लोगों को मैंने बोला था डायरी लेने का और लिखने का रोज का कौन है यहाँ पे डायरी मेंटेन करने वाला आ जाते सुनने के लिए फॉलो नहीं करते क्या मतलब सेशन का कोई है यहाँ पे जो डायरी मेंटेन करता है विवेक बोल रहा है मैं मेंटेन करता हूं डायरी आंसू आ जाएंगे मेरे को ठीक है वृंदा भी बोल रही मैं भी अनुप बोलता है मैं भी करता हूँ कशिश बोलता है मैं भी समीक्षा सही बोल रहे हूँ यार आई एम सो हैप्पी फिर से बताऊंगा डायरी वाला आई एम सो 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 हैप्पी विथ यू गाइज सो हैप्पी विथ यू गाइज माई गुडनेस माई गुडनेस संजय भी बोल रहा है विरल भी बोल रहा है सलीम भी बोल रहा है नहीं यार मैं तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहा था सॉरी ठीक है सॉरी तुम लोग कर अभी कुछ लोग नहीं करते तो मैं बताऊंगा तुमको नो लेसन गाइज वेकअप एंड गेट रेडी आधा घंटा मैंने उसको दिया है वेकअप एंड गेट रेडी हाफ एन आवर प्लीज नींद को लो नींद को कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे थोड़े दिन के अंदर जॉम बन जाओगे सोचने समझने की ताकत फिफ्टी परसेंट पे आ जाएगी ठीक है तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाएगा मोबाइल के अंदर तुम घुस जाओगे बिच वॉचिंग करने लग जाओगे प्रोक्रेस्टिनेशन होने लग जाएगा अगर तुम नींद बराबर नहीं लोगे तो जिंदगी झंड हो जाने वाली है तो यू नीड टू गेट सिक्स करो कितने के ऊपर ग्रुप के ऊपर ज्ञान बांटा दस मिनट जॉगिंग के लिए जाओ आज तुम बोलो डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना एक्सरसाइज करो ओबेसिटी से कैसे बाहर निकलना एक्सरसाइज करो ठीक है जि जितने प्रॉब्लम है दुनिया के

करता है अनुप हूं हैं जाता है। मैं तुमको याद दिला रहा मैं जानता हूं कि बहुत सारी चीजें तुम करते थे कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते ये सेशन का रीजन ही तो यही है ये, ये परपज ही ये है कि तुमको अच्छी बातें याद दिलाकर तुमको वापस उसमें लेके आओ मैं भी कोई भगवान नहीं हूं

उसके बाद में म्यूजिक ब्रेक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट म्यूजिक कैन चेंज योर मूड कैन टेक यू डिफरेंट वर्ल्ड इंस्टेंटेनियसली इंस्टेंटेनियसली इफ यू वांट टू फील गुड इफ यू वांट टू गेट पॉजिटिव इफ यू वांट टू गेट गोइंग यूज राइट काइंड ऑफ म्यूजिक फिर आपका मेक है पंद्रह मिनट का फिर आपका एफ है फिर मैं बोल रहा हूँ और एक कॉफी दो कॉफी पीनी चाहिए इट इज एब्सोल्यूटली फाइन ठीक है वो भी मैंने जानबूझ के रखा है बहुत ज्यादा लेट नहीं ताकि आपकी नींद पे इम्पैक्ट ना पड़े एस एम आपका सवा सात तक जितना मेरा अनुभव है ठीक है जनरली स्पीकिंग अभी पहले अमित सर का अमित सर का आपका ई भी था अब सिर्फ एस है और टाइम काफी सारा है तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्सटेंड करेंगे और तुमको तो अभी आठ साढ़े आठ तक बैठने की आदत है ठीक है आठ साढ़े आठ तक बैठने की आदत है सर प्रोफेसर लोगो के एक्स्ट्रा लेक्चर अरे भाई 200 250 घंटे का मैंने तुमको 250 घंटे का बैकलॉग कैसे कवर करना वो मैं मैंने बताया अच्छा कुछ बच्चे प्लान बना रहे थे कि सर मैं पहले ग्रुप वन पूरा खत्म मैं बता दो क्या होगा उसके अंदर दिसंबर तक तुम्हारा ग्रुप वन ही खत्म नहीं होगा कुछ लोगों का जनवरी तक ही ग्रुप वन खत्म नहीं होगा रेगुलर क्लास करना उसके साथ चलना बैकलॉग को एक एक घंटा देना दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी एक बैकलॉग खत्म करने के लिए नया बैकलॉग क्रिएट मत करो डोंट क्रिएट न्यू बैकलॉग नाउ, फिर आपका डिनर एंड ट्रैवलिंग आपका क्लास हुआ डिनर एंड ट्रैवलिंग 45 फाइव मिनट्स मैं सजेस्ट करूंगा नैप लेना चाहिए आधे घंटे का सर आधे घंटे में नींद नहीं होती कोशिश तो कर बेटा आधे घंटे में नैप ले ले डेली क्लास का रिवाइज कर दो घंटा ठीक है अब यहां पे जो बच्चा जितना स्मार्ट है कितनी बार मैंने बताया क्लास के क्लास में तुम्हारा एक डाउट बुक या होमवर्क बुक होना चाहिए आज मेरे को ठीक है जीएसटी में ये डिफिकल्ट गया आज मेरे को ऑडिट में ये डिफिकल्ट गया आज मेरे को एफएम में ये डिफिकल्ट गया एसएम में ये डिफिकल्ट गया।, गया अबे स्मार्ट बनना यार जिस चीज को डिफिकल्ट उस पर ज्यादा टाइम दे बाकी चीज को ना हम लोग क्या करते घी का दीपक लगाते ठीक है घी का दीपक लगाकर जय माता दी ए फॉर एप्पल से शुरू करते हैं जो चीज हमको आती ना उसको भी जबरदस्ती पढ़ते अरे प्लीज गेट स्मार्ट यार जो चीज आ रही उसको भी बार बार कर रहे कुछ कुछ बच्चे तो चैप्टर नंबर वन ही दस बार कर डालते हैं अब आगे भी, निक... आगे भी बढ़ना यार थोड़ा इसको बहुत ही गधागिरी बोलते बी स्मार्ट इन योर स्टडीज थोड़ा स्मार्टनेस लेके आओ यार जो चीज तुमको आती है उसको बार बार मत घसो जो चीज तुमको नहीं आती है उस पर ध्यान दो इससे तुमको कम टाइम में ज्यादा पढ़ोगे हो सकता है कोई बच्चा दो घंटे के जगह एक घंटे में यह कर ले एक घंटे में यह कर ले डेढ़ घंटे में यह कर ले ठीक है नाउ पिछले बार मैंने म्यूजिक का प्लेलिस्ट भी दिया था अब इसके बाद में ब्रेक वॉक दे रहा हूं मैं अर्नव से बात कर रहा था मैं बोले सर दिमाग खराब हो गया अब मैं वॉक के लिए जा रहा हूं ठीक है आई विल इंट्रोड्यूस हिम टू यू गाइज सुन थोड़ी देर और साढ़े दस से ग्यारह मैंने वॉक भी दिया है ताकि नींद अच्छे से आए 11 से 12 एक घंटा ग्रुप वन रिवाइज रिवाइज मतलब क्या रिव्यू हाँ ऐसा ऐसा था ऐसा ऐसा था एक काम करना रिवीजन लेक्चर ही शुरू कर दे रिवीजन लेक्चर ही शुरू कर दे ठीक है तू एक बार वो सुनते सुनते जाएगा ना तो तू टच में आएगा तेरी हिम्मत बढ़ेगी सिर्फ रिव्यू करना टच में रहना जरूरी है हाँ हाँ इतने इतने चैप्टर रहते इतने इतने पार्ट रहते ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है इतना भी तेरे को पता रहा ना 31 जन तक तेरे को इतना भी पता रहा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है कितने पार्ट्स है और कितने मेथड्स है और मोटा-मोटी क्या है वो भी बहुत है भाई वो भी बहुत है 31 जन 15 सेब तक, तक इतना भी पता रहा तो ठीक है नाउ अब भैया सो जाना 12 से 6 6 घंटे दिए थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं किसी की ज्यादा नींद है तो भैया थोड़ा जल्दी तेरे को ज्यादा सोना पड़ेगा ट्रैवलिंग में कहीं तो भी स्मार्टली तू आधा घंटा और बचा तू स्मार्टली आधा घंटा और बचा साढ़े छह घंटे के लिए सो जा मुझे लगता है छ साढ़े छह घंटे की नींद बहुत रहती है ठीक है भाई मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा चेंज ऑफ एटमोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी ज्वाइन करो अगर लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते ऑनलाइन लाइब्रेरी ज्वाइन करो ऑनलाइन लाइब्रेरी की लिंक मैंने दी है वापस मैं शेयर कर दूंगा

दोस्तों से बात करो उसके लिए मना नहीं कर रहा लेकिन मोबाइल फोन पे जब तुम सोशल मीडिया में घुसते हो तो गई भैंस पानी में एक घंटा दो घंटा कहाँ जाता है समझ में नहीं आता एंड दैट इज द बिग बिग प्रॉब्लम यहाँ पे दिन रात रोते हो सर मेरे पास दस मिनट नहीं है मेरे पास पंद्रह मिनट नहीं है और एक घंटा सोशल मीडिया पे कैसे जाता हो समझ में नहीं आता पिछले बार मैंने जब बच्चों के क्लास में तुमसे भी कराऊंगा इस बार पिछले बार जब मैंने बच्चों का मोबाइल फोन ओपन करके ठीक है मैंने उनका यूसेज देखा तो उनके तोते उड़ गए मेरे को बोल रहे थे पढ़ने को टाइम नहीं है और वहां पे फोन में दिख रहा आठ घंटे फोन यूज किया था था तू तो तो बोल रहा था, पढ़ने को टाइम नहीं है यहाँ पे तो दो घंटे तेरा इंस्टाग्राम दिख रहा है तो भाई किससे तुम झूठ बोल रहे हो यार खुद से झूठ बोल रहे हो इसलिए डायरी मेंटेन कर और उसमें लिख कि तेरी सच्चाई क्या है तू उससे सही रास्ते पे निकलना शुरू हो जाएगा बट यू शुड फेस द ट्रूथ ठीक है लाइब्रेरी शुरू करना है ठीक है अनुप ने बोला अनुप ओके okay. मेरे को तू WhatsApp करना 9096 मेरा व्हाट्सएप नंबर है नाइन जो ऑनलाइन लाइब्रेरी का यूजर नेम पासवर्ड है यूजर नेम पासवर्ड है वो यूजर नेम पासवर्ड में दे दूंगा कभी लाइब्रेरी बंद क्योंकि क्या होता है अगर कोई नहीं रहा तो आधे घंटे बाद लाइब्रेरी बंद हो जाती है ठीक है? मैंने आप लोगों को एक रोड मैप बताया मे चौबीस तक का ठीक है मैंने आप लोगों को एक डेली रूटीन बताया आई गिवन यू डेली रूटीन आल्सो कि तुम्हारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए नाउ ई सीरियसली बिलीव समथिंग एंड आई वॉन्ट यू गाइस टू डू इट डोंट पैनिक इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला बाजू का पत्ता भी नहीं हिलने वाला डोन्ट डिस्टर्ब पीस ऑफ माइंड दट नॉट गोइंग टू हेल्प गेट आउट ऑफ द गेल्ट डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर तुम्हारे हाथ में एक ही चीज है यूज टाइम इफेक्टिवली एंड इफ यू टू यूज टाइम इफेक्टिवली बिकॉइज तुम तुम्हारे दिमाग को जितने सही इंस्ट्रक्शन दोगे तुम तुम्हारे दिमाग को जितने सही इंस्ट्रक्शन दोगे तुम उतना सही बिहेव करोगे तीन चीजें रिपीट करनी है आई यूज be for टाइम इफेक्टिवली आई एम द बेस्ट बी है आई एम गोइंग टू यूज my टाइम आई यूज my टाइम आई एम गोइंग टू नहीं आई यूज my टाइम इफेक्टिवली आई एम द बेस्ट आई कैन डू इट मैं सीए ए मटेलू मैं नहीं बनेगा तो साला कौन बनेगा सीए कैसे हाँ और उसके बाद में बी हैप्पी फॉर व्यू अचीव तुम गधे नहीं हो तुम भी एग्जाम पास करके आयो बहुत सारे लोगों में पास करके आयो ठीक है गट से तुम्हारे अंदर जबरदस्ती खुद को अंडर एस्टिमेट करना और खुद को बहुत बुरा बुरा बोलना कुछ इंडिया में क्या मेंटेलिटी है दुख मनाने की दुख हम दुख मनाते रहते हैं हर चीज का हमको लगता है दुख मनाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी दुख मनाने से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती ठीक है दुख मनाने से एनर्जी और कम हो जाती है बी हैप्पी फॉर वॉट यूर अचीव ठीक है है तुम्हारे अंदर दम इसलिए तुम सीए कर रहे हो फट गई थी लोगों की सीए करने से इसलिए सीए में आए ही नहीं है तुम्हारे अंदर हिम्मत इसलिए तुम सीए कर रहे हो इतने इतने घंटे क्लासेस देकर तुमने सहा है सब कुछ यू आर डेफिनेटली यू आर डेफिनेटली समथिंग सम वन इसलिए यहां तक पहुंचे हो बी हैप्पी फॉर वॉट यू आर अचीव पहले तीन घंटे की मूवी हुआ करती थी अब सुबह से बैठते हो साढ़े सात बजे से रात को साढ़े सात बजे तक यू आर डेफिनेटली मच मोर देन ऑर्डिनरी पर्सन एंड बी हैप्पी अबाउट दैट बी हैप्पी अबाउट दैट ये रिपीट करो तीन चीजें कंटिन्यूअसली एंड बूस्ट यूर सेल्फ टाइम यूटिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ यहां पर ठीक है पिछले बार दिया था इस बार भी मैंने शेड्यूल में सब छह से सात घंटे नींद मैं लिख कर दिया था पिछले बार समझाया था ये करना है एक्सरसाइज फिफ्टीन मिनट प्राणायाम पंद्रह मिनट फ्रूट वेजिटेबल को खाने पीने का सोचो ठीक है ठीक है मल्टीविटामिन लो ड्रिंक इनफ वाटर म्यूजिक ये भी लिखा था भाई बराबर क्योंकि कुछ लोग कुछ बच्चे ये भी प्रॉब्लम हमारे तो अच्छा तो शुरू करेंगे अबे तू दस घंटे दिन के क्लास पे डालता है क्लास का टाइम अच्छे से यूज करना इस तरीके से मार्किंग कर इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट कर इस तरीके से कॉन्फिडेंस लागी क्लास के क्लास में पढ़ाई को खत्म कर नहीं सर क्लास के बाद पढ़ूंगा अरे तू बाहर निकल टेंथ और ट्वेल्थ की मेंटेलिटी से ये टेंथ और ट्वेल्थ नहीं है एवरी मोमेंट यू आर स्टडी सिर्फ घर पे पढ़ाई होती है ऐसा नहीं है क्लास में ही पढ़ाई होती अनफॉर्चुनेटली इंडियन सिस्टम में घर पे पढ़ाई होती तो क्लास में क्या करते तुम लोग टाइम पास करते करेक्ट तुमको बोला नैप लो म्यूजिक लो दो हो कॉफी ठीक है आप बराबर पढ़ाई करो क्लास में ना सेल्फ स्टडी भी मैं याद दिला रहा हूं मैं आपको डेली डायरी मेंटेन करो तुमको समझ में आएगा अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो रिसर्च करते मत बैठो डोंट गेट लॉस्ट डोंट गेट टाइम बाउंड लाइब्रेरी यूज करो बैकलॉग के पीछे अरे ये बैक बहुत सारे लोग सिर्फ बैकलॉग काउंट करते रहते हैं एक घंटे का बैकलॉग नहीं देखते सिर्फ दुख मनाने का बहुत सारा दुख मनाने का पढ़ने का कुछ नहीं ठीक है नाउ अभी मैंने इस पे भी और मैं ये दूंगा भी पिछले बार भी तुमको बताया था स्मार्टनेस इज गोइंग टू बी द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ अब मैं ठीक है आप लोग क्वेश्चन भी लूंगा मेरे साथ अर्नव है यहाँ पे सो अर्नव इज फ्रॉम मुंबई Yes, the classes. The classes

Hello, hello. 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 Okay. Now it is clear. I think. Okay. Now listen. So arnav is with me, and. Uh, ab. I. जो क्वेश्चंस आपके होते हैं मैं मैं एक एक करके ही हैज सीन द जर्नी ही हैज सीन द जर्नी अभी फ्रेशली इसने पूरी की पूरी क्लास की और इसने छह सब्जेक्ट नहीं किए इसने आठ सब्जेक्ट किए इसने आठ सब्जेक्ट किए आठ सब्जेक्ट की पढ़ाई की आठ सब्जेक्ट ये देकर आया करेक्ट और जितना तुम सह उससे ज्यादा ही सह नाउ ठीक है सर हर सीए स्टूडेंट पछताता ही है जितना भी पढ़ाई हो ओके okay, सो so मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा अर्नब तेरे को ऐसा लगा क्या मतलब तू सीएर की पढ़ाई करा तेरे को ऐसा लगा मैं तो एकदम मैं तो पास ही होने वाला बहुत रोता था बहुत रोता था कि आज का होमवर्क खत्म नहीं हुआ आज का ये लेक्चर थोड़ा रह गया ये वो ये वो बट एट द डे यू मतलब एक दिन यू विल फिनिश द होमवर्क ड्यूरिंग द क्लासेस ओनली ताकि क्लासेस के बाद एकदम फ्री हो जाए या एक दिन क्लास ही मिस हो जाए मतलब एवरी डे ऐसा ऊपर नीचे होता है बिकॉज़ कैपेसिटी वेरी सबका कैपेसिटी अलग है एंड एवरी डे विल डेफिनेटली नॉट बी परफेक्ट सब हाँ मोए मोए मोमेंट यस कुछ लोगों का दिन एकदम खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ या तो स्लीप कुछ खरा, खराब हो गया या तो सिकनेस हो गया ये हो गया वो हो गया तो

जब दिन सही नहीं जाते रहते हैं जब तुम बैड फेज में रहते हो हाउ यू कम आउट ऑफ इट नाउ लाइक आई नो इफ आई गो फॉर अ जॉग अगर मैं जॉग के लिए जाऊंगा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करूंगा तो आई गेट बैक फाइन मैं थोड़ा अगर पंद्रह मिनट मेडिटेशन कर लूंगा अगेन आई एम बेटर ये दो चीजें मुझे पता है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है मेरे ऊपर ये तुमको पता होना चाहिए नाउ नो वट यू टू डू टू गेट आउट ऑफ दैट सो बैड डेज जब होते थे तो आई ऑलवेज हैड मॉम i always used to go to my mom i used to complain to her yeah i used to rant to her mummy aaj class yeah, ye, homework diya ye lecture be abhi ye topic karare, i don't like it at all i used to talk it out because talking it out is very important because when you talk about what you're feeling you're giving it less power to take over you you're talking it out and you're giving it the uh, attention it requires and you're dealing with it जैसे सर बोलते हैं एकदम दुख भरी वी सेलिब्रेट दुख वो करने की जरूरत नहीं है टॉकिंग इट आउट एंड डीलिंग विद इट इज इंपॉर्टेंट एंड अनदर थिंग इज डेफिनेटली एक्सरसाइज रियली हेल्प्स आई यूज टू गो लेट नाइट ऑन वॉक्स वन टू इन द नाइट वेन आई वॉज फीलिंग बैड एंड या डेफिनेटली टॉकिंग इट आउट एंड सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी म्यूजिक ऑल्सो म्यूजिक डेफिनेटली ऐसे थोड़े चीजें दैट गेट यू आउट ऑफ स्ट्रेस एंड उट ऑफ दीज थॉट्स वे यूर फीलिंग ओके नो गाइज एंड जो जर्नी है बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते रहेंगे यू हैव टू कंटिन्यूसली बैक यूर सेल्फ अर्नर ने भी वो बताया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डोंट थिंक अबाउट परफेक्ट थिंग्स देर इज नथिंग लाइक परफेक्ट तुम इस एक घंटे में क्या कर सकते हो बस वो करते जाओ अच्छे से मैं बच्चों को ये बताता हूँ फर्स्ट रैंक होल्डर को सेवेंटी परसेंट होते हैं फर्स्ट रैंक होल्डर फर्स्ट रैंक होल्डर को सेवेंटी परसेंट होते हैं बहुत सारे रैंक होल्डर को रैंक कब आता हैल्डर को सिक्सटी परसेंट के आसपास होते उससे कम होते नाउ लिसन गाइज अगर रैंक होल्डर का ये है आप समझो अगर फर्स्ट रैंक होल्डर को अगर थर्टी परसेंट नहीं आया ठीक है तो उसको और भी कुछ चीजें नहीं आती होगी इट इज एबसोल्यूटली फाइन इफ सम्स आर लेफ्ट आउट एब्सोल्युटली फाइन आप तुम्हारा तुम यहाँ पे दस पंद्रह मिनट एक घंटा वेस्ट नहीं कर सकते कि मेरा ये नहीं हुआ मेरा वो नहीं हुआ अबे एक घंटा है ना तेरे पास में तो करना उसमें तू क्या कर सकता है तू रो क्यों रहा है भाई तू जो हुआ उसके लिए रोता है जो होने वाला है उसके लिए रोता है करेक्ट नाउ व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आई थिंक स्टार्ट द पंजाबी पंजाबी म्यूजिक पंजाबी म्यूजिक बेस्ट नाचने का

डेफिनेटली वैन आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग मॉर्निंग मॉर्निंग वैन आई यूज टू गो वॉक्स के लिए ये सब के लिए तो मस्त एनर्जेटिक पंजाबी पंजाबी गाने मतलब ऐसे चलते चलते नाचने का मन होना चाहिए ऐसे गाने एंड वेन आई वॉज स्टडिंग आई यूज टू लिसन टू अ लोटो सी साइड म्यूजिक मतलब मैं यूट्यूब पर बस ये लोग टेन आवर्स ट्वेल्व आवर्स की ऐसे वीडियोज डालते हैं वेर इज़ जस्ट रिलैक्सिंग एम्बियंट म्यूजिक एंड वो पढ़ते हैं हाँ इंस्ट्रूमेंटल ये सब वो सोन से सुनते पढ़ाई करने का

एंड जैसे जैसे कंफर्ट हो होगा तो सुनता जा रहा हूँ बट दू समझता था सर के साथ मैंने क्लास में इतना प्रॉपरली कर दिया आई यूज टू कीप हेंड रिटर्न नोट फॉर ऑडिट तो रिविजन करते समय आई न्यू आई कुट फास्ट एंड सर के तो मतलब टाइम स्टैम्प भी होते थे तो जहाँ जहाँ आई नो आई हैविंग डिफिकल्टी उधर उधर मैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके जाता था तो आई रियली डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम स्पीडिंग अप लेक्चर्स एंड वॉचिंग एज लॉन्ग एज यू नो वॉट यू आर डूइंग अगर बस नाम के वास्ते दो घंटे का लेक्चर एक घंटे में खत्म कर दिया कि हाँ यस yes, रिकॉर्ड तोड़ दिया देन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प बट इफ़ यू आर लाइक हाँ ठीक है आई नो दिस चैप्टर इज रिलेटिवली इजी फॉर मी तो दो घंटे का एक घंटे में खत्म कर दिया देन दैट इज अंडरस्टैंड मैं एक बात बोलना चाहूंगा लेजीनेस के ऊपर प्लीज जब आप रात को, लास्ट मील इट और प्लीज कम खाओ थोड़ा हमारे दिमाग में है दैट वी ईट मोर मोर फॉर बेवकूफी है तुम तुम रात को खाना डाइजेस्ट करने में तुम्हारी इतनी एनर्जी चले जाती है कि तुम सुबह उठ के बहुत ही टायर्ड फील करते हो वाई यू फील टायर्ड तुम टायर्ड इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी पूरी एनर्जी जो है खाने को डाइजेस्ट करने में चली गई है प्लीज टेक दिस नोट गाइज ईट मैं ये नहीं बोल रहा हूं भूखे मरो ठीक है ये नहीं बोल रहा हूं मैं लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि बॉस अगर आपके हंड्रेड की कैपेसिटी है स्टॉप एट एटी एटी फाइव डोंट मेक इट सुपर फूल और उसके बाद में उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा एनर्जी जाती है और आपका दिन ज्यादा खराब जाता है मैं बच्चों को देखता हूँ अनलिमिटेड थाली डॉ इतना ठूस लेते इतना ठूस लेते सर आज तो फीस थी और वो कोई चिकन फिकन मिल गया तो वो तो पागल हो जाते फिर करेक्ट भाई प्लीज अगर लेजीनेस से दूर रहना है प्लीज डू दिस और जो मैंने तुमको रिपीटेशन बोलाना जो मैं दूंगा प्रोकेस्टिनेशन से भी दूर रहना है यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर रिपीटिंग राइट थिंग्स टू यू एंड यू सेल्फ कॉन्शियस माइंड करेक्ट अगर तुम सही चीज खुद को बोलोगे मैं तुमको एक फिलोसफी शेयर करता हूँ फटाफट हर हर महादेव करके जब भी वार पे जाते हैं आपको पता है उसका मतलब क्या है हर हर महादेव का मतलब किसी को पता है क्या बताओ यहां पे किसी को पता है हर हर महादेव मतलब शंकर भगवान वो हमें सबको पता है वो नहीं पूछ रहा हूं मैं हर हर महादेव का मतलब क्या है हर हर महादेव का मतलब किसी को पता है क्या ओके डर डर जाओ ऐसा नहीं है आ? डर हर लो नहीं नाउ लेट मी टेल लव लेटी व्हाट इट इज ठीक है हर हर महादेव मतलब हर किसी के अंदर इतनी ताकत है कि वो महादेव जैसे रह सक कर सकता है यू नीड टू शो फेथ ऑन यूर सेल्फ यू नीड टू टेल यूर सेल्फ आई एम द बेस्ट आई कैन डू इट आई विल यूज माई टाइम प्रॉपरली यू नीड टू टेल यूर सेल्फ दैट यू आर कैपेबल एंड लुक एट द चेंज एक बार अगर तुम खुद को विश्वास दिला लो ना कि तुम्हारे अंदर वो बात है कि तुम कर सकते हो तुम तुम्हारा टाइम अच्छे से यूज कर सकते हो करेक्ट तुम खुद को विश्वास दिला दो इसको बार बार रिपीट करो यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट यू विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट एंड यू विल स्टार्ट फंक्शनिंग लाइक दैट खुद को याद दिलाओ दैट यू आर समथिंग गुड और इसको बार बार चैंड करो रिपीट करो यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट मुझे पता है शुभम सर का फर्स्ट लेक्चर में जनरी होता हूँ तो वो सेम चीज बोलते हैं कि खुद से रिपीट करो और खुद को बोलो ठीक है तो सर बोल रहे हैं कि रात को लाइट खाना खाओ बारह बजे तक सो जाओ बट सर इज स्टिल टॉकिंग फ्रॉम सर के पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पे बैठा स्टूडेंट मेरे को पता है मैं पांच पांच बजे तक बैठ के पढ़ता हूँ रात को मस्त मैगी बना के खाता हूँ तो आई है मेरे को पता है वॉट सर इस कम्प्लीटली एब्सुलूटली राइट कि मतलब ऐसे ही होना चाहिए बट देन समन हु स्टडी एट नाइट जिसका नाइट में कम्फर्ट होता है पढ़ाई का यू ऑल शुड रियली फोकस ऑन वॉट यू ऑल ईट इन द नाइट बिकॉज अगर तुम लोग मतलब काब्स और ये सब मतलब ठूस के खा लोगे ना तो लाइक सर सेट तुम लोग बहुत टायर्ड उठने वाले हो बट हैविंग लाइट स्नैक्स आई यूज टू हैव सीरियल इन द नाइट Cereal and milk. It was the most effective. jata Easy to digest, and, matlab, filling also. It was the perfect meal to have in the night. And definitely, what Sor is saying about positive talk now. That is very important. I remember, three every night before I went to sleep, I told myself these three things. Jaise jaise bole, I will study with interest. I will give my best. वैसे तीन चार daily.

आज अच्छा दिन नहीं था कोई बात नहीं आई मेक माइ सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड आई डू वेल यू 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 हैव टू टू टॉक पॉजिटिवली बिकॉज योर माइंड विल गिव गिव शुड अप नहीं अभी खाना ठीक से नहीं हो रहा है नहीं अभी बोर हो रहा है नहीं अभी सर दुख रहा है नहीं अभी दोस्त को मिलने का मन हो रहा है ये हो रहा है इट गिव यू हंड्रेड ऑफ रीजन बट यू जस्ट नीड टू कीप गिविंग यूर सेल्फ वन रीजन टू कीप गोइंग मैं सही से कर रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ

मैंने तो आपको बार बार बोला ठीक है मैंने देखा है लाइफ में बहुत जो लोगों को देखा है मैंने हम पॉइंट ए पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है लेकिन पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए जो बातें करना है ना वो पता नहीं हम क्यों नहीं करना चाहते मैं ऑनेस्टली अगर सी ए तुम्हारा अल्टीमेट एम है तुम बहुत सीरियस हो सी ए के लिए सी ए तुम्हारा अल्टीमेट एम है तुम बहुत सीरियस हो सी ए के लिए करेक्ट तुमको वही करना है वही बनना है मैं बता रहा हूं टेक अ बोल्ड स्टेप शिफ्ट टू इग्नू अगर तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो तुमको छह सेमेस्टर देना है तुम्हारा एक सेमेस्टर अभी आएगा एक सेमेस्टर में एग्जाम के पहले आएगा और तुमको ये बहुत परेशान करेगा मैं बता रहा हूं कुछ बच्चों ने अगर मैं जानता हूं बच्चे दस दिन छुट्टी मारे बीकॉम के लिए दस दिन की छुट्टी मतलब नब्बे घंटे का बैकलॉग और एक बार जब टूटता है ना तो फिर कम करना बहुत मुश्किल है अभी मैं दिवाली मेरे को कितने बच्चों ने बोला सर दिवाली के बाद में मैं दिवाली में बैठ गया अब उससे मैं लौट के नहीं आ पाया इट इज एब्सोल्युटली फाइन सब लोग बैठते कभी ना कभी चल तू तो सिर्फ दिवाली में बहका अच्छा वह और कहीं नहीं बहका नहीं तो तू पूरे इंटर के बाद ही वापस लौट के आता बोले अब इंटर मेरा चला गया आई एम प्लीज टेक माई वर्ड्स मैं पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूँ अगर आप इग्नू में शिफ्ट करते हो यू विल बी सो पीसफुल सो पीसफुल सो पीसफुल ठीक है अगर आप सीरियस हो सीए के लिए पूरी ताकत आप लगाने वाले हो इग्नो में शिफ्ट हो जाओ ठीक है आपको सिर्फ तीन चार पेपर देने पड़ते हैं मैंने मेरा वीडियो भी शेयर किया था अपने चैनल के ऊपर सर्च करना वहां पे मीडिया लिंक्स में वगैरह सब सर्च करना इग्नो में शिफ्ट हो जाओ आपका बहुत टाइम बचेगा सिर्फ चार पांच पेपर देने पड़ते हो भी कब इंटर कवर करने के बाद दे नॉट जस्ट हियर आपको आगे भी बहुत फायदा मिलेगा और फिर भी अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे आप नहीं मान रहे बी को एक एक दिन में निपटा दो जितना कम पढ़ सकते हो उतना अब मेरे को पता है अर्नव ने एक एक दिन में निपटाया है इसने एक एक दिन में निपटाया है ठीक है लेकिन वही है कि उसने एक दिन में निपटाया लेकिन अगर आप बहुत तकलीफ ले रहे हो उसमें टाइम दे रहे हो तो ये बहुत बड़ा क्रम सुनो अर्नव से भी मेरी बात चल रही थी वी आर हैविंग डिनर हम थोड़ा सा लेट भी हो गए ट्रैफिक के बीच में ठीक है अर्नव का अर्नव का कॉलेज और उसका घर दस मिनट की दूरी पे था ही कैन अफोर्ड टू गो एंड कम बैक और वहां पे अब बच्चे पूना से जा रहे है संभाजी नगर पूना से जा रहे लातूर क्यों क्योंकि बीकॉम की एग्जाम देने आने जाने के दो दिन चले गए जितने बीकॉम के पेपर चल रहे उसके एक एक दो दिन और चल रहे हैं बीच में ब्रेक है इसकी सिचुएशन अलग है इसको दस मिनट लगते थे तुमको दस दिन लग रहे हैं बहुत बड़ा फर्क है बहुत बड़ा फर्क है।, है भाई तुमको अगर दस दिन लग रहे हो ना मेरी बात सुन लो छोड़ दो उसको क्या मिलने वाला है तुम तो ऐसे क्या उखाड़ने वाले हो ग्रेजुएशन से 49 नाइन परसेंट जब मेरा रैंक आया तो 49 नाइन परसेंट मेरे को सेकंड ईयर में फिर मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी शिफ्ट किया तो मेरे को लगा अब मैं कुछ और तोप करूंगा मैं फाइनल क्लियर हो गया तब मेरे को फिफ्टी सिक्स है ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में गाइज आज तक कभी मेरे को पूछा नहीं प्लीज डोंट वेस्ट यूर एनर्जी एंड पुट यूर एनर्जी इन समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू यू एनीथिंग आउट करेक्ट अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूँ अभी सर ने बोला एक एक दिन में बीकॉम कॉम निपटाया वो भी ज़्यादा बोल दिया सर ने सुबह दस बजे का पेपर होता है आठ बजे उठ के देखने का आज कौन सा पेपर है फिर पढ़ाई शुरू करने का आठ बजे कॉलेज जाते जाते पढ़ने का देखने का क्या क्या है एग्जाम में जाके बैठ जाने का दो घंटे का पेपर होता है आई सैट सिक्सटी मार्क्स का पेपर होता था मेरा आई सैट वन आर ओनली वन आर में चालीस मार्क्स का लिख के निकल गया मैं एंड आई डेंट गिव एनी मोर टाइम टू बी कॉम

एफ एम है मतलब सेम सेम है पूरा और थोड़े दो तीन टॉपिक्स है जो नहीं है सी ए के रिलेटेड ठीक तो है जाके देख के आ जाता देखा जितना आता है लिख के आ जाऊंगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा दो सब्जेक्ट में सिक्सटी में से पासिंग ट्वेंटी फोर दो सब्जेक्ट में ट्वेंटी फोर भी लेके आ गया कुछ सब्जेक्ट में अकाउंट्स में सिक्सटी में से फोर्टी भी लेके आ गया फुल जितना फोर्टी अटेम्प्ट किया होता है ऐसे यू जस्ट हैव 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 टू 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 यू 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 डू डू जितना नो you know मतलब इतना स्ट्रेस गिवन टू बी कॉम इज रिय नॉट वर्थ इट इतना टाइम नॉट वर्थ इट बिकॉज लाइक सर सेड लोग ए तक पहुँचने में इतना टाइम लगाते ना कि बह जाते हैं लोग बी कॉम के नाम पे मतलब सच्ची दस पंद्रह दिन की जो छुट्टी है ना एंड आई वोट टॉक अबाउट बैकलॉग ओके बैकलॉग ना विल ऑलवेज बी एन इशू ओके यू देर इज नॉट इट्स नॉट पॉसिबल टू की हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस बिकॉज वन डे या तो लाइट चली गई या तो बीमार हो गए या तो मतलब

जो कल किया वो क्लास के फर्स्ट पंद्रह बीस मिनट में रिवाइज कर देता है यू नीड टू लाइक सर ना स्मार्ट स्टडीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस 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 कोर्स में गधा मजदूरी के लिए टाइम ही नहीं है है ही नहीं टाइम इट्स नॉट वर्थ इट आल्सो यू कैन ट्राई मतलब नेक्स्ट डे बैठे सर ने फर्स्ट फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स में रिवाइज कर लिया ठीक है उसमें से सिक्सटी परसेंट भी समझ आ गया ना ठीक है बाद में रिविजन लेक्चर्स देख लेंगे नोट्स देख लेंगे उसमें कोप कर लेंगे बट

एटलीस्ट जितना मिनट में किया वो तो समथिंग विल काउंट ना इट इज अ लॉट मोर अबाउट डूइंग देन थिंकिंग बिकॉज लोग ना इतना टाइम थिंकिंग में लगाते थे ना थिंकिंग थिंक कर करके एग्जाम ही आ जाते हैं डू करने का टाइम चला गया वेन एवर हैविंग एनी डाउट कि ये कर लू क्या ये पढ़ लू क्या ये अभी होमवर्क दिया ये लिख दू क्या कर दो जस्ट डू इट डोंट वरी अबाउट इट मैं यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नींद बहुत कम कर लो मैंने छः घंटे का शेड्यूल बनाया है किसी को छः भी लग सकते हैं सात भी लग सकते हैं अब किसी ने बोला है कि बहुत टायर्डनेस है इसीलिए मैंने बोला एक छः सात घंटे की नींद थोड़ा सा एडजस्ट करके नींद बहुत जरूरी है आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत जरूरी है अगर आपको सही डायरेक्शन में चलना है सही लाइन में अगर आपको चलना है तो अभी मुझे जिन्होंने बोला इफ आई डोंट वांट टू नेम मे बी आपने बोला है कि बहुत थक जाते हैं बीच में पंद्रह मिनट की नाप मल्टीविटामिन आजकल मल्टीविटामिन आते हैं न्यूरोबिन फोर्टी मल्टीविटामिन है मल्टी मल्टीविटामिन है आपके हेल्थ कार्ड के मल्टीविटामिन आते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सेंट्रम करके कंपनी है आजकल वो भी मल्टीविटामिन ला रही है मल्टीविटामिन लेते हो क्या आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक्सरसाइज करते हो क्या आप मैं ठीक है दिशा ने अभी डाला है दिशा मेरे को आंसर करो ठीक है आई कैन कैन पुट यू 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 ऑन द ऑडियो आल्सो फॉर डू डू टेक मल्टीविटामिन गो एक्सरसाइज क्या आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो करेक्ट डू यू गो फॉर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थिंग ये करते हो क्या आप मुझे बताइए डू यू डू दीज थिंग्स और दूसरी और एक बात आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो क्या अगर आप सिर्फ चीजों का स्ट्रेस ले रहे हो तो आपका प्रेजेंट भी बर्बाद हो जाएगा कैपेसिटी भी बर्बाद हो जाएगी ठीक है अभी अभी स्लीप विल ऑलवेज बी एन इशू फॉर अस बिकॉज हम छ घंटे भी सो जाए तीन घंटे भी सो जाए बारह घंटे भी सो जाए उठ के थकानी फील होने वाली है उठ के ही करने वाला है वापस सो जाना है क्योंकि पूरा दिन हमें पता है पढ़ना पड़ेगा वापस सो ही जाना है वी विल ऑलवेज फील लाइक दैट ओके बट लाइक सर इज से

सुबह के आठ बजे से एंड विशाल सर तो कभी कभी क्लास में मतलब आई टेक क्लास फ्रॉम सेवन फोर्टी फाइव सेवन फिफ्टी सेवन फोर्टी ये सब भी करते हैं विशाल सर तो आई हैव बीन समवन हु हैज सैट फॉर क्लासेस फ्रॉम है क्लॉक इन द मॉर्निंग टू सेवन ओ क्लॉक इन द इवनिंग बीच में पंद्रह मिनट के ब्रेक मिलते हैं लंच का हाफ एन आवर ब्रेक मिलता है तो अप्रोक्सिमेटली टेन आवर्स ऑफ क्लासेस अ डे होता है ये आई यूज टू कीप अ पिलो ऑन माई टेबल आई यूज टू कीप अ पिलो ऑन माई टेबल कि जब तक नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाता ना उधर ही नीचे लेट लो उधर ही हेड डाउन कर लो जितनी पांच पंद्रह मिनट की नींद नसीब हो जाए ना भाई इट इज अ ब्लेसिंग ठीक है जितनी भी मिल जाएगी ना इट इज अ ब्लेसिंग उधर के उधर ही ना जस्ट टेक अप इफ यूर फीलिंग वेरी टायर्ड बट इफ यूर फीलिंग इफ यूर फीलिंग मतलब स्टिफ और यूर फीलिंग अनकंफर्टेबल देन गेट अप एंड वॉक अराउंड दैट इज बिकॉज यू आर सिटिंग डाउन सो मच ना उस, उसके लिए टायर्डनेस हो रहा है स्क्रीन के सामने इतने घंटे बैठे हो ना उस टायर्डनेस हो रहा है उठो जाके पानी पियो मूथ हो एंड वॉक अराउंड इन द हाउस थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखो नहीं मिल रहा है टाइम नीचे जाने के लिए नहीं मिल रहा है टाइम एक्सरसाइज करने के लिए यू ऑल हैव टू कीप डूइंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट ओके इवन इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लोग माय मदर ये सब कराते हैं वेयर यू डू सिटिंग डाउन योगा बैठ के यू डू काइंड ऑफ स्ट्रेचेस एंड एवरीथिंग एंड यू डू सिटिंग डाउन योगा यू टिल्ट योर हैड एंड योर यूर फ्लेक्स योर नेक यू कीप डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल मोशन ताकि वो स्टिफनेस ना वो वो बने ना रखे बिकॉज दैट स्टिफनेस ओनली कॉजेज द टायर्डनेस एंड अगर बात नींद की आ रही है ना इट इज नॉट कि अभी नींद भाई तीन घंटे चार घंटे ही दिन के करने हैं इट इज़ नॉट लाइक दैट यू एल है ईट प्रॉपरली यू हैव टू मेनटेन योर बॉडी प्रॉपरली ताकि छः घंटे की भी नींद ना विल बी मोर देन इनफ इट विल मेक यू फील फ्रेश वैन यू वेकअप ओके इज आस्किंग यू कुछ दिन आएंगे कुछ दिन आने ही वाले हैं जहां पे छह घंटे का तीन घंटे करना है इट इज नॉट एन ऑप्शन अगले दिन ये सबमिशन है अगले दिन ये टेस्ट है अगले दिन ये है कुछ कुछ ना कुछ है यू विल हैव टू स्टे अप एंड डू इट होने ही वाला है कुछ दिन नो डे विल बी परफेक्ट कुछ दिन नींद ही नहीं नसीब होगी ट्वेंटी फोर आवर्स अवे दो मिनट की भी नींद नहीं हुई बट देन हैव हैव टू टू रियलाइज बैलेंस इट आउट नहीं हो रही है नींद एक दिन ना

अर्नव uh, ने no, no, बिल्कुल सही बोला क्लास uh, uh, में भी हम लोग यही बोल रहे हैं कि how to manage. ये सेशन हमने बहुत सारी बातें बोली जो पीडीएफ मैंने यूज किए वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा मैंने भी प्ले भी शेयर की एंड आई विल बी देयर मैं रहूंगा प्रेस्टीज uh, पॉइंट पे आई विल बी देयर फॉर थ्री फोर डेज बिफोर क्लास शुरू हो रही है मैं वहीं पे रहूंगा करेक्ट अर्नव भी रहेगा मैंने बोला ना एक, ऐसे ही, ऐसे ही एक सेशन था जिसमें अर्नब उस साइड था अर्नब उस साइड था करेक्ट आई रिमेम्बर क्लास के बाद में कुछ शेयर किया था तूने कुछ तो किया था इंस्टाग्राम कुछ uh. तो किया था एंड सर uh, आज मैं बहुत रिलीफ भी महसूस कर रहा हूँ अब मेरे को ठीक लग रहा है आई विल डू बेटर एंड मुझे और एक चीज आप खुद के मन की बात किसी के साथ भी फैमिली मेंबर्स प्रोफेसर किसी के साथ शेयर कर लो मोमेंट यू शेयर इट यू फील मच 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 बेटर एक डाउट बार बार आ रहा है भाई नंबर ऑफ एग्जाम से कुछ नहीं होता अभी तेरे हाथ में जो है वो तू कर ले अच्छे से लाइफ में मैं बहुत आगे के लिए बोल रहा हूँ ठीक है

ठीक है ये लोग जितना डांटेंगे ये लोग जितने लेक्चर देंगे ये लोग जितने ताने ताने तो नहीं मारते ताने तो नहीं मारते बहुत अच्छे है एकदम मतलब दूध के धुले प्रॉपर बेस्ट है ये लोग जितने लोग हैं ना दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स ट्रस्ट मी जितना भी दे गिव यू स्ट्रेस यू हैव टू स्टडी ये होमवर्क है टेस्ट है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हम लेने वाले हैं तुम लोग जो करना है रो लेना है रो लोग हमको क्या है हम लोग हम लोग अपने एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे यू हैव टू रियलाइज दैट दे आर योर बेस्ट फ्रेंड

किसी से बात करने का मन नहीं होता है कि नहीं यार आई डोंट वॉट टॉक बट नॉट टॉकिंग टू सर इट रियली बिकॉज वंस यू लिसन टू एडवाइस ऑफ हुज ऑलरेडी गॉन थ्रू इट ना यू विल रियलाइज कि हाँ ये इस इस जो आई एम फीलिंग राइट नाउ यू कैन डील विद इट वट आई एम फीलिंग राइट नाउ आई कैन ओवरकम इट दे हैव ओवरकम इट ऑलरेडी अभी मुझे करना है अभी मेरी बारी है स्ट्रेस हो रहा है क्लासेस का इन लोग को भी था इन लोग ने जी लिया स्ट्रेस लोग बन गए सी अभी मेरे को करना है अभी मेरे को नींद कम हो रही है इन लोग की भी नींद कम थी ये लोग तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए कहा जाते थे कहा मतलब फुल मतलब कहानी इन लोग की अलग है सो देो फेल दैट स्ट्रेस टाइमिंग का स्लीप का स्ट्रेस का एवरी थिंग सो यूर कैन टॉक विथ दम ओपनली ओके मैं शुभम सर से जय सर से रवि सर से मैं तो आई ऑलवेज टॉक टू देम लाइक देर माई फ्रेंड्स ओनली रिस्पेक्ट देम लाइक योर सर एंड टॉक टू देम एज योर फ्रेंड्स दैट्स दट चले गाइज आई एम वेरी हैप्पी गौतम फिरदोस बोथ आर वेरी हैप्पी मेनी ऑफ यू बी वेरी हैप्पी करेक्ट डेफिनेटली यू ऑल आर वेलकम वी स्मार्ट आप पढ़ाना चाहते हो कुछ और बड़ा करना चाहते हो प्लीज कम टेल इट टू अस कुछ और बड़ा करेंगे कुछ और अच्छा करेंगे करेक्ट चले गाइज इसकी रिकॉर्डिंग विल सी कि रिकॉर्डिंग कैसे आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं गाइज ऑल द बेस्ट लगे रहो सिर्फ टाइम को अच्छे से यूज करो लास्ट स्टेटमेंट में जो बोलना चाहूंगा यूज टाइम स्मार्टली एवरीथिंग एल्स विल हैपन ऑटोमेटिकली ओके बाय 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 भैया भैया उम्र है अभी एग्जाम छह महीने नहीं अभी नवंबर में एग्जाम दी बेचारा बेचारा बुरा मान गया किसने बोला किसी कन्या ने बोलाऊंगा ठीक है <laughs> किसी कन्या ने बोलाऊंगा इसलिए भैया और बुरा लग गया उसको ओके okay, ओके okay, भाई Good night, good night. Bye, 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 bye.